देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। इंतहा लवली डैन। थैंक यू, थैंक यू। चैरिटी रियली प्यूरिफाइज द सोल। यू नो हमारे हस्बैंड्स की इतनी बड़ी कंपनीज है, सो इट्स ओनली नेचुरल दैट वी शुड गिव बैक टू। ओह, हियर इज माय हैंडसम सन इम्तियाज, ही हैज द बेस्ट ऑफ आवर जीन्स, माय गुड लुक्स एंड फारूज बिजनेस सेंस। है ना बेटा, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इन अ मिनट इमी, मैं एक्चुअली इन सबको तुम्हारे एंगेजमेंट के बारे में बात करने वाली थी। यू नो आई हैव कॉल्ड ऑफ द वेडिंग। व्हाट? हां, कोई निकाह, कोई शादी, कोई एंगेजमेंट नहीं होने वाली। And that's final. Imi, what? Sorry. Tasvi tere naam di padeya hor pada main ki teri ibadat karda main hor kara main ki mere रब वर्गा है, मेरे लिए तू रब वर्गा है। यू फकिंग होल, तो इतने दिनों से यही पता कर रही थी कि किसके पास ज्यादा पैसा है, फिर तुम डिसाइड करो कि शादी किससे करनी। यू आर अ फकिंग फ्लक। बिकॉज़ मैं थोड़ा सा ड्रंक हूँ और अपसेट भी, इसका मतलब तुम उसे ऐसा मजाक करेगी, राइट? आई मीन तेरी वो योगा क्लासेस और क्या वो तेरी चैंटिंग क्लासेस के अलावा तुझे लड़कों में इंटरेस्ट ही कहाँ है? दीप, अगर अर्ली ने मुझे बोला होता ना, आई वुड हैव बिलीव। दीप, मैं ऐसा मजाक वो कर सकती है, पर तुम? दीप, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। दीप, दी दी एक मिनट, दी 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 देखिए, दी मैंने तीनों बार टेस्ट भी किया थी और तीनों बार फर्स्ट। Don't you know as girl? I mean, I'm not saying that you cannot have sex, but why not protection? Dee, it was just a moment, Dee, and it just happened. अच्छा तो बैठ जा, बैठ जा। कौन कौन है, कौन वो लड़का? दी, वो लड़का किसी और से प्यार करता है। दी, what? I mean, what is wrong with your generation? वो लड़का हरलीन से प्यार करता है। दी, what? They are having an affair. Having an affair now, Falak. बच्चे मुझे तो बता है कौन वो? I really don't have a clue. फिर से शुरू. Good luck. Hi, Harleen. God, Rahil, why are you doing this? तुम्हारे तो वैसे भी 100 girlfriends हैं ना यार, and then मेरी बहन फलक भी, so why? Harleen, I don't know यार, but I really like you. देखो कल मेरा birthday है, and I want you to be there. Please come and celebrate it with me. Why me यार? You already have फलक, right? And anyway, फलक is so. फलक सिर्फ एक जरिया थी, Harleen. I wanted to come close to you. It's about you and me now. मैं तुम्हारा wait करूँगा. प्लीज आना हर्ली। तेरा ये खेल अभी तक बंद नहीं हुआ, क्या कर रहा है? कल तेरा बर्थडे है ना, तूने इसको क्यों इनवाइट करा? और वी विल ब्रिंग इट विद अ बैंग ब्रो। आमिर, आई विल ब्रिंग माय बर्थडे विद अ बैंग। मैंने अपनी लिस्ट बना ली है। क्या बना रहा हूँ? मैं बना रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है दोबारा? अरे डबल चेक करना होता है कि नहीं कुछ? सबको एंगेजमेंट आपका बुलाने की जरूरत है। ये लो तुम ऑमलेट तो लो। वो ठीक है, लेकिन शर्मा को एंगेजमेंट में नहीं बुलाना। मम्मी आप आराम से नाश्ता कीजिए ना, ये सब चीजें हम देख लेंगे। मम्मा हर टाइम बोलती रहती हो कि आप ज्यादा चीज मत लो ना। अरे कोई बात नहीं, दे देंगे।
मुझे लगता है मुझे अभी भी इसे बच्चों की तरह खिलाना पड़ेगा। क्या हुआ? इसे क्या हुआ? क्या? ठीक तो है, डॉक्टर को फोन लगाओ। नहीं पापा, वो एक्चुअली मैंने परांठे में अजवाइन डाल दिया था, तो शायद उसी वजह से। शी हेट्स इट ना। मैं उसे देखती हूँ, मैं देखती हूँ। श्योर? या ऑफ कोर्स। देख ले बेटा, चेक कर ले एक बार। Tell him. Sir, that's one big news, sir. Should we go ahead with that? Tell him. सर हम ये केस ये स्टोरी को हम अप्रूव कर सकते हैं ना सर? लाइक यू गाइस कांट सी योरसेल्फ, यू गाइस जॉन वाज राइट। गाइस मैं जानना चाहता हूं कि हम 9 o'clock न्यूज़ पर कौन सी खबर ब्रेक करने वाले हैं, बिकॉज़ बेसिकली आई डोंट वांट एनीथिंग कोइंसाइडिंग विद द वेबसाइट। मे बी उस स्टोरी को हम कल सुबह लीड दे सकते हैं। तूने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? क्या? तूने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी? मैं तुझे क्यों बताऊं? अभी आया था अंदर पूछने, क्या न्यूज़ सुनानी है? तू बता दे, फिर न्यूज़ सुना देता हूं। मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है एंड आई डोंट ओ यू एनी एक्सप्लेनेशन। बच गया तू। काम करो, तुम लोग चलो, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। हेलो अरलीन, कहाँ यार? आई बीन वेटिंग फॉर योर कॉल। रियली? ऑब्वियसली यार, व्हाई वुड आई लाई? मैं घर पे हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू। ट्रस्ट मी अरलीन, तुम्हें थोड़ी देर के लिए भी देख लूंगा ना, इट इज इनफ फॉर मी। बट आई वांट टू ब्रिंग माय बर्थडे विद यू, प्लीज। ओके फाइन, पर मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए आऊंगी। हाँ, थैंक यू सो मच अरलीन। फक, ओके जस्ट मीट मी सून। ओए यहाँ क्या कर रहा है? चल 12 बजने वाला है। अच्छा मैं घर जा रहा हूँ। क्या अभी? मेरा बर्थडे गिफ्ट मेरा घर पे इंतजार कर रहा है। यू नो लाइक बर्थडे गिफ्ट्स, स्पेशली प्रीटी गर्ल्स। बाय। आई न्यू इट कि तुम आओगी। कम। Happy birthday, Rahil. Thank you so much. Thank you so much for coming. Rahil, are you even sure that you like me? Because you know, Falak is head over heels for you. Arleen, please believe me. Falak aur mere beech mein jo bhi tha, it was only to make you jealous, yaar. Mujhe usse koi matlab nahi hai. Main tumhare sar ki kasam kha ke keh raha hu, mera aur uska kuch nahi hai. I was only trying to make you jealous, man. Please, please believe me, yaar. Main tumhe kaise samjhau? I mean, मुझे देखो, तुम्हारे पास आना बहुत मुश्किल था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, सो मुझे ये करना पड़ा। आई हैड टू डू इट मैन, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक, आई नो, आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूं यार? व्हाट डू आई डू, टेल मी। आई एम सॉरी राहुल, इट्स योर बर्थडे, आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दिस, आई एम सॉरी। He slept with her. Dee, he's not like that. I know him. Dee, you aisa nahi hai. You swine, you asshole. Tu dono ke saath khel khel raha hai na? It's disgusting. Tu aur tera bhai dono hi ek jaise ho, bloody manipulator. Alag ki baat pe vishwas karo. You know how is she? Wo apni fantasy world mein rehti hai. Dee, come on. Tujhe ho kya gaya hai, Harleen? Can't you bloody see it? Apni behan se zyada tu is pe vishwas kar rahi hai. This guy has made your younger sister pregnant. And he's bloody responsible for that. Yes. Rahil,
No, Arlene, please trust me. मैंने कुछ नहीं. I'm completely innocent. I did not do anything. Palak, please tell your sister. Please अपनी बहन को सब. I swear I did not do anything. Arlene, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो. मैंने कुछ भी नहीं किया. I'm completely innocent. कहाँ है तेरा महान भाई सुफियान अब्दुल्ला? I want to talk to him right now. तुमसे कुछ बात करनी है। मैं यहाँ हमारे बारे में बात नहीं करने आई हूँ। तुमने इम्तियाज से सगाई की तोड़ी। मैंने तुमसे कहा ना, मैं यहाँ हमारे बारे में बात करने नहीं आई हूँ, ना तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने आई हूँ। I'm here only for Palak. Palak is pregnant and your brother is responsible for that. Rahil is the father of the child. नहीं। क्या मतलब? तूने अम्मी की हालत देखी है ना? थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर है उन्हें। ब्लडी फलक, अभी अभी मेरी सगाई टूटी है। हम चाहकर भी उनको एक और सदमा नहीं दे सकते। वो अपनी बीमारी से लड़ रही हैं, फलक। And I'm not asking you, I am telling you, please. ये फलक है, हरलीन है और एक अनाथ है। देख राहिल, आई लव यू एंड आई जेन्युइनली डू। जो कुछ भी हो साफ साफ बता। एंड यू नो दैट और भी तरीके पता लगवाने के, रिपोर्ट के साथ टेस्ट करवा कर। तूने फलक को प्रेग्नेंट किया? बीबी मैं बच्चा नहीं हूँ बीबी, आई हैव हैड माय अफेयर्स, बट फलक के साथ यू नो। नो बट राहिल, ये लड़की इस प्रॉब्लम में अकेली नहीं है। हम साथ मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। Listen, Falak. You get the best abortion done, okay? Abortion? The abortion नहीं करवाना था. No abortion, please. Please, no abortion. I know abortion is not the right thing to do, but you tell me कि मैं क्या बोलूँ? किसका करीब ऐसे हुआ है? तेरे को पता? इसकी फैमिली में क्या बीतेगी? बीबी, I'm sorry. I'll take full responsibility, बीबी. I promise. Falak. Will you marry me? Falak, I don't think so. He's the right person that... I want to marry him. Good morning. Salaam. Jalamdan Mubarak ho mere bacche. Happy birthday. Dates. I love dates. Especially when I spoil one. So, party nahi ho rahi kya? No party going on? Kya party? Rahil thodi apna Jalamdan humare saath manata hai. News flash. Rahil ki shaadi hone wali hai. राहिल की शादी होने वाली मिस सानी के साथ। इतना चिंता मत कर, तेरी वाली सानी नहीं, फलक सानी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। सीरियसली, अब वो क्या है ना, फलक थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइप की है, उसको अबॉर्शन नहीं करवाना सूफी, तो निकाह तो करना पड़ेगा। निकाह तो करना पड़ेगा, राइट भाई? अरे आप प्लीज बैठ जाइए, आपके घुटनों में दर्द हो जाएगा। वो क्या है ना, बारात में नाचना भी है, तो कैसे डांस करेंगे आप? प्लीज सिट डाउन, आई विल लीव विद माय डेट।
ये हो क्या रहा है? मतलब अभी तुम्हें शादी नहीं करनी और तुम्हें शादी करनी है? ये कोई एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है क्या इन दोनों घरों के बीच में? और तुम्हें उसी घर के किसी लड़के से शादी करनी है? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं लग रहा है मुझे? तुम लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि अम्मी बीमार है, चलो एक दो शादी कर लेते हैं, अम्मी खुश हो जाएगी? अम्मी नहीं काई, मैं तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ, पर मैं ये देखना नहीं चाहती हूँ कि तुम लोग अपने लाइफ डिसीजंस इसलिए ले लो जस्ट बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू कीमोथेरेपी। अम्मी फलक और वो लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, पसंद करते हैं एक दूसरे को। आप ऐसे ही ओवरथिंक कर रहे हैं, आप बैठिए। नहीं आपकी तबीयत नहीं काई, एक मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग काई। तू कोई डिसीजन लास्ट मिनट ले सकती है लेकिन फलक को अचानक शादी करनी है? एक मिनट, हाउ लॉन्ग डू यू नो हिम? मुझे कुछ बताएगी भी? इस घर में हो क्या रहा है? हम उस घर में जाते हैं एक लड़की का रिश्ता लेकर, वो दूसरी लड़की भेज देते हैं हमारे यहाँ। आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद यू गाइस, आर यू ऑल मैड? काम डाउन यार। राहिल शादी करेगा उस स्थानीय लड़की से। मेरे पांच पांच इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स अपनी बेटियों की शादियां राहिल से करने की ख्वाहिश में थे, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? अल्लाह, वो पांच इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स वही है ना, वो मारवाड़ी ट्रेडर्स जिसके पान बीड़ी का शॉप है। बेनजीर का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है एट टाइम्स। सबके सब हाँ कह चुके थे लेकिन इससे शादी करनी है, इससे। कौन है ये फलक सानी? क्या हासिल किया इसने लाइफ में? मेरे बेटे से शादी करना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। जैसे आपने किया था कई साल पहले। आप कुछ कहना चाहती है क्या? नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। मैं तो उस घर में आज भी इम्तियाज की शादी कर दूं। इम्पोर्टेंट तो उसकी चॉइस है, ही लव्स हर। I believe my son. I think you should too. Rahul, वो सब छोड़, मुझे बता तू क्या कर रहा है? What are you doing? शादी फलक के साथ। क्यों? तू शादी क्यों कर रहा है उससे? अरे हम इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है इस घर में हो क्या रहा है? एक भाई दूसरे भाई से बात तक नहीं कर रहा है। क्या किसी को पता है क्यों? क्या? क्या चल क्या रहा है? ऑफिस में भी इम्तियाज और सूफिया दोनों की सहमति नहीं देखता किसी भी टॉपिक पे। Rahul, तू अपनी बात करना। चाचू ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप स्ट्रेस मत लीजिए, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। कुछ बड़ा नहीं हुआ है। राहुल तू बोल ना, तू क्या कर रहा है? मैं ही शादी करूंगा। बीबी मुझे उनके घर पे लेके गए थे और बीबी ने मुझे एहसास दिलाया कि अगर वो लड़की प्रेग्नेंट है तो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। और मैं सबको कहना चाहता हूँ उसके पेट में मेरा बच्चा है, एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि उस बच्चे को उसके बाप का नाम मिले। तो मैं ही शादी करूंगा फलक के साथ। राहुल तू शादी करेगा तो खुद अभी एक बच्चा है बेटे। तुम्हें पता था कि राहुल और उस लड़की के बीच में कुछ चक्कर चल रहा था? ये बेवकूफ बेनजीर का बेटा कितना स्मार्ट है। मेरी विल में इसके नाम पे कुछ न कुछ मैं जरूर छोड़ूंगी। He is just making my plans so much easier. एक जमाने में ये प्राइवेट जिम इन चारों भाइयों के लिए इस घर में सबसे फेवरेट स्पॉट था। इट्स वेयर दे डिस्कस्ड ऑल देयर सीक्रेट्स। मगर अब देखो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। सच अ पिटी। तू क्या कर रहा है राहुल? अचानक से शादी करने का फैसला, व्हाट आर यू डूइंग? राहुल तुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तेरा मेरा झगड़ा चल रहा है सुफियान, लेकिन राहुल को बीच में क्यों लेके आ रहा है तू? यू राइट बीबी, मुझे आपके अलावा किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरा निकाह हो रहा है, जो खुश है वो आ सकता है, अदरवाइज दे कैन चेक इट। कायनात को ये बात पता है? ओ, मुझे कॉल किया था, तुझे कॉल नहीं किया? मुझे लगा वो सब कुछ तेरे साथ पहले शेयर कर। सूफी इनफ, तूने जिस तरह रिएक्ट किया स्पेशली कायनात के साथ, यू स्क्रूड इट ऑल अप सुफियान। Everybody out here is not here to hurt you. ये बात तू जितना जल्दी समझ ले तेरे लिए अच्छा है। Before it's too late. क्या हो बेबी? मेरी बात सुनना यार। Don't ignore me like that.
हाँ मैं शादी कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू मैरी फलक, बट अब वो अपना प्रेगनेंसी का कार्ड खेल रही है, मैं क्या करूँ यार। चल ठीक है, मैं तेरे साथ। थैंक यू सो मच मैन, थैंक यू सो मच। सूफी भाई, इस बार जो मैं खेल खेलूंगा ना, वो आपके और कायनात के बीच बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। इस बार आप किसी की बात भी नहीं सुनोगे, इमी भाई की भी नहीं। मैं कोई भी सहानी गर्ल्स को हमारे घर में नहीं आने दूंगा। अब रा